जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में स्थित दिनेश नागर कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने कॉलोनी के गेट पर धरना दिया। कॉलोनी निवासियों का कहना था कि कॉलोनी में सभी सुविधाएं नहीं मिल रही, लोगों को परेशान होना पड़ रहा। पिलखुवा में स्थित यह दिनेश नगर कॉलोनी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के राज्य मंत्री अतुल गर्ग की बताई जा रही है। कॉलोनी वासियों ने राज्य मंत्री अतुल गर्ग के नाम पत्र लिखा, जिसमें कॉलोनी वासियों ने राज्य मंत्री अतुल गर्ग को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। कॉलोनी वासियों ने पत्र में बिजली पानी और सामाजिक तत्व के आगे जाने से जो सुरक्षा की भावना बढ़ी, इसके लिए पत्र लिखा और जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने की गुहार लगाई है। रिपोर्ट अशोक कुमार रावत। और मैं दिनेश नगर में 5 साल से रह रहा हूं और यहां पर जो है सिक्योरिटी को लेकर के सबसे बड़ा इशू है। यहां पर आए दिन जो है बाहरी तत्व, अराजक तत्व सोसाइटी के अंदर आते हैं और यहां पर जो है अराजकता फैलाते हैं, शराब पीते हैं, छेड़खानी करते हैं और रात को 12 बजे 2 बजे तक उधमबाजी करते हैं। इस सोसाइटी के अंदर 11,000 वोल्ट की जो है खुली वायर जा रही है, जिसके कारण पहले भी एक बार हादसा हो चुका है और अभी भी खतरा बना हुआ है। इस बिल्डर ने एक भी कदम नहीं उठाया है इसको प्रिकॉशन लेते हुए। और यहाँ पर जो है आए दिन जो है कुत्ते जो है सोसाइटी में, आवारा कुत्ते जो हैं, बच्चों को काट ले रहे हैं, बड़ों को काट ले रहे हैं। और यहाँ पर सोसाइटी के अंदर जो नालियाँ हैं ओपन है और सारी नालियाँ भरी हुई हैं, जिसकी वजह से कोरोना काल है, यहाँ पर इतनी सारी महामारी फैली हुई है। अभी और भी है, डेंगू है, मलेरिया है, इतनी सारी बीमारियों का जो है यहाँ पर जो है व्यवस्था कर रखी है बिल्डर ने। जी, मेरा नाम संगीता चौधरी है। आप लोग जो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, उसका क्या कारण है? सर, यहाँ पे परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा और सुनवाई नहीं हो रही है कुछ भी। मेंटेनेंस लेते हैं, काम कुछ करते नहीं है और बिजली का बिल लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा देते हैं बड़ा बड़ा के, और जब लोग समस्याएं लेके जाते हैं तो उससे बदतमीजी की जाती है। पूरा स्टाफ चेंज चाहिए हमें यहाँ का, और मेंटेनेंस का जितना भी होगा मेंटेनेंस होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होगा। और कोई भी मरम्मत के लिए नहीं हो करता, सब कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है सर यहाँ पे, सब लोग बहुत परेशान है। नालियों में पानी भर रहा है, नालियों में पानी भरा है, नाली का कोई वो नहीं है पानी निकलने का, और जाते हैं तो बदतमीजी होती है, लेडीज के साथ भी बदतमीजी करते हैं यहाँ के मेंटेनेंस के जो स्टाफ है सबके सब। मैं आपका नाम संजय कुमार तोमर है। आप लोग जो यहाँ धरना दे रहे हैं, किस कारण धरना दे रहे हैं? पर सर, यह मांग ये है, ये दिनेश नगर सोसाइटी है, ये जो लोग आप देख रहे हैं मेरे पीछे सब खड़े हैं यहाँ पर, ये सब दिनेश नगर के निवासी हैं, यहाँ फ्लैट के मालिक हैं। ये लगभग पिछले कई सालों से परेशान है बिजली को लेकर, यहाँ की मेंटेनेंस की समस्याओं को लेकर। यहाँ मेंटेनेंस में ये सब लोग मेंटेनेंस देते हैं, कोई 900 रुपये देता है, कोई 6,000 लगभग 600 रुपये देता है, 900 रुपये देते हैं, लगभग मिला करके 1,000 रुपये करीब बैठता है, किसी का 1,200 बैठता है। यहाँ सब बिल्डर ने हमको एक पॉइंट लेकर के सिंगल पॉइंट कनेक्शन दे रखा है बिजली का, हम सबको सब मीटर दे रखे हैं, सब मीटर पर कोई भी चार्ज नहीं बनता, केवल रीडिंग चार्ज इनको लेना चाहिए। सब मीटर का भी हमसे चार्ज लेते हैं 211 रुपये मीटर चार्ज लेते हैं, उस पर GST लगाते हैं 5%, लगभग 211 रुपये हर लोगों से लेते हैं, जो कि इलीगल है, इलीगल नहीं है। दूसरा, हम इनसे कहते हैं कि हमारी बिजली अलग अलग कर दो, फिर जो फ्लैटियर हैं सब अपनी अपनी सरकारी बिजली UPPCL का मीटर लग जाए सबका, तो उसको कोई तैयार नहीं है लगाने के लिए। यहाँ मेंटेनेंस में लोग शिकायत करने जाते हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं होता है, सारे टावर में सीलिंग आ रही है, बिजली की लाइन यहाँ 11,000 की लाइन, नंगी लाइन निकल रही है। पीछे एक हादसा भी हो चुका है, एक लड़का लगभग 10-11 साल का लड़का था, वो मर चुका है यहाँ पर। दूसरा, नाली की पानी की निकासी प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर मेंटेनेंस लिया जाता है, मेंटेनेंस के नाम पर काम नहीं किया जाता है। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkekhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।